हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही सिंपल वाला डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। कार्डिगन स्वेटर, बेबी स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक, ब्लैंकेट, जीन स्वेटर। ये डिज़ाइन सिर्फ 18 रोज का डिज़ाइन है। आपको ये 18 रो रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 4 + 2 एज स्टिच में फंदा लेना होगा। मल्टीपल ऑफ 4 + 2। देखिए, रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है। देखिए, इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 4 3 × 4 = 12 एज स्टिच करके टोटल 14 फंदा डाला है। फर्स्ट रो आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। देखिए, फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो में आपको एक फंदा एज स्टिच से स्लिप करना है। फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। फर्स्ट में 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर धागा आगे करना है। अब यहाँ पर आपको 2 फंदा बिना बुने स्लिप करना है, 1 2। अब आपको ये रिपीट करना है। देखिए, स्लिप फंदा को छोड़कर 2 फंदा सीधा, धागा आगे करके 2 फंदा स्लिप, यही रिपीट करना है। फिर से रिपीट, देखिए धागा इससे पीछे करना है। 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा आगे 2 फंदा स्लिप, 1 2, फिर धागा पीछे। देखिए, 2 बार रिपीट हुआ है। फिर से एक बार रिपीट करना है। 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर धागा आगे 2 फंदा स्लिप, 1 2, फिर धागा पीछे। देखिए, 3 बार रिपीट हुआ है। फिर लास्ट में आपको एज स्टिच बचेगा, इसको सीधा बुनना है। फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड रो रॉन्ग साइड। देखिए, सेकेंड रो में आपको 1 फंदा एज स्टिच से स्लिप करना है। फिर यहाँ पर आपको धागा पीछे करना है। फिर एक फंदा को आपको ऐसे पॉल वाइज स्लिप करना है। देखिए, अब 2 फंदा को छोड़कर अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागे को आगे करना है, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे, फिर 2 फंदा स्लिप, 1 2। देखिए, राइट साइड पे आपको, देखिए, हमेशा स्लिप करने के आगे आपको राइट साइड पे आपको हमेशा आगे करना है। स्लिप करने के पहले आपको, फिर सेकेंड रो रॉन्ग साइड पे आपको धागा पीछे करना है। स्लिप करने के आगे से पहले से आपको, देखिए, अब आपको ये रिपीट करना है। स्लिप फंदा, सॉरी, 2 फंदा को छोड़कर 2 फंदा उल्टा। देखिए, रॉन्ग साइड पर आपको हमेशा धागे को आगे करना है, सॉरी, धागे को पीछे करना है। फिर 2 फंदा स्लिप करना है। अब ये रिपीट करना है। फिर से रिपीट, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे करना है, फिर 2 फंदा स्लिप। देखिए, 2 बार रिपीट हुआ है। फिर से देखिए, लास्ट में आपको 4 फंदा बचेगा। देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही बार रिपीट हुआ है। धागा आगे करना है, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे, देखिए, 1 फंदा पॉल वाइज स्लिप, फिर धागा आगे एज स्टिच रॉन्ग साइड पे उल्टा। देखिए, सेकेंड रो कंप्लीट कर लिया है। थर्ड रो राइट साइड। 1 फंदा एज स्टिच स्लिप करना है। फिर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। आपको धागा आगे करना है। देखिए, राइट साइड पे हमेशा आपको धागा आगे करना है। फिर 2 फंदा स्लिप, 1 2, फिर धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2। अब ये रिपीट करना है। देखिए, स्लिप फंदा को छोड़कर 2 फंदा स्लिप, धागा आगे करके, फिर 2 फंदा सीधा, ये रिपीट करना है। फिर से रिपीट, धागा आगे, 2 फंदा स्लिप, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2। देखिए, 2 बार रिपीट हुआ है। फिर से एक बार रिपीट, धागा आगे, 2 फंदा स्लिप, 2 फंदा सीधा। देखिए, थर्ड रो में हमने यहाँ पर 3 बार रिपीट किया है स्लिप फंदा को छोड़कर। फिर लास्ट में आपको एज स्टिच बचेगा सीधा। थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड। 1 फंदा एज स्टिच से स्लिप करना है। फिर 1 फंदा उल्टा बुनना है। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब धागा पीछे करना है, धागा पीछे, फिर 2 फंदा स्लिप, 1 2, फिर धागा को आगे करना है, 2 फंदा उल्टा, 1
दो। अब ये रिपीट करना है, देखिए दो फंदा को छोड़कर, दो फंदा स्लिप, दो फंदा सीधा, फिर से रिपीट, धागा पीछे दो फंदा स्लिप, धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो। देखिए दो बार रिपीट हुआ है दो फंदों को छोड़कर, फिर लास्ट में आपको चार फंदा बचेगा, धागा पीछे दो फंदा स्लिप, धागा आगे ये दो फंदा लास्ट के उल्टे, एक दो। फोर्थ रो कंप्लीट कर लिया है, फिफ्थ रो राइट साइड, एक फंदा जिससे स्लिप करना है, फिर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, दो फंदा सीधा, एक दो, दो फंदा सीधा, फिर धागा आगे दो फंदा स्लिप, एक दो, फिर धागा पीछे। देखिए यही रिपीट करना है, स्लिप फंदा को छोड़कर, दो फंदा सीधा, दो फंदा स्लिप, फिर से रिपीट करना है। देखिए दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे दो फंदा स्लिप, एक दो, फिर से एक बार रिपीट करना है, धागा पीछे दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे दो फंदा स्लिप, एक दो। देखिए ये रिपीट करना है, स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तीन बार रिपीट हुआ है, फिर लास्ट में आपको एज स्टिच सीधा बुनना है। फिफ्थ रो कंप्लीट कर लिया है, सिक्स रो रॉन्ग साइड, एक फंदा एज स्टिच स्लिप करना है, फिर धागा पीछे करना है, फिर एक फंदा स्लिप, फिर धागा आगे। देखिए अब ये दो फंदों को छोड़कर अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, फर्स्ट में दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे दो फंदा स्लिप, एक दो। अब ये रिपीट करना है, स्लिप फंदों को छोड़कर, सॉरी दो फंदों को छोड़कर, दो फंदा उल्टा, दो फंदा स्लिप, यही रिपीट करना है, फिर से रिपीट, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो, दो फंदा स्लिप, एक दो। देखिए यहाँ तक तीन दो बार रिपीट हुआ है दो फंदों को छोड़कर, फिर लास्ट में आपको देखिए चार फंदा बचेगा, धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे एक फंदा स्लिप, एज स्टिच उल्टा। सिक्स रो कंप्लीट कर लिया है, सेवेंथ रो राइट साइड, एक फंदा एज स्टिच स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको देखिए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे करना है, दो फंदा स्लिप, एक दो, फिर धागा पीछे दो फंदा सीधा, एक दो। अब ये रिपीट करना है आपको, स्लिप फंदा को छोड़कर, दो फंदा स्लिप, दो फंदा सीधा, फिर से रिपीट, दो फंदा स्लिप, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर से एक बार रिपीट, दो फंदा स्लिप, दो फंदा सीधा, एक दो। देखिए यहाँ तक दो बार तीन बार रिपीट किया है, फिर आपको लास्ट में एज स्टिच बचेगा सीधा। सेवेंथ रो कंप्लीट कर लिया है, एट रो रॉन्ग साइड, एक फंदा स्लिप करना है एज स्टिच, फिर एक फंदा उल्टा। देखिए अब ये दो फंदों को छोड़कर यहाँ से आप रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे दो फंदा स्लिप, एक दो, फिर धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो। अब आपको ये रिपीट करना है, स्लिप फंदा को छोड़कर, दो फंदा स्लिप, दो फंदा उल्टा, फिर से रिपीट, धागा पीछे दो फंदा स्लिप, फिर धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक। देखिए यहाँ तक सिर्फ दो ही बार रिपीट हुआ है दो फंदों को छोड़कर, फिर लास्ट में आपको चार फंदा बचेगा, धागा पीछे दो फंदा स्लिप, धागा आगे देखिए दो फंदा उल्टा, एक दो। एट रो कंप्लीट कर लिया है, नाइन्थ रो राइट साइड, देखिए नाइन्थ रो में आपको अब ये डिजाइन आपको इसे राइट साइड पर बनाना है, एक फंदा एज स्टिच से स्लिप करना है, फिर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे दो फंदा स्लिप, एक दो, फिर धागा पीछे दो फंदा सीधा, एक दो। अब ये रिपीट करना है, स्लिप फंदा को छोड़कर, एक दो फंदा स्लिप, दो फंदा सीधा, फिर से रिपीट,
धागा आगे करना है दो फंदा स्लिप, फिर धागा पीछे दो फंदा सीधा, एक दो, फिर से एक बार रिपीट, धागा आगे दो फंदा स्लिप, दो फंदा सीधा, एक दो। देखिए तीन बार रिपीट हुआ है यहाँ पर स्लिप फंदा को छोड़कर, फिर लास्ट में एक फंदा बचेगा स्टिच सीधा। नाइन्थ रो कंप्लीट कर लिया है, टेन रो रॉन्ग साइड, एक फंदा स्टिच स्लिप करना है, फिर धागा पीछे एक फंदा, यहाँ पर सिर्फ एक ही फंदा को स्लिप करना है। अब ये दो फंदों को छोड़कर अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे दो फंदा उल्टा फर्स्ट में, एक दो, फिर धागा पीछे दो फंदा स्लिप, एक दो। अब ये रिपीट करना है स्लिप फंदों को छोड़कर, सॉरी दो फंदों को छोड़कर, दो फंदा उल्टा, दो फंदा स्लिप, फिर से रिपीट, धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे दो फंदा स्लिप, एक दो। ये रिपीट करना है, देखिए दो ही बार रिपीट हुआ है, फिर लास्ट में आपको चार फंदा बचेगा, धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे एक फंदा स्लिप, एक फंदा स्टिच उल्टा। अब इलेवन रो, टेन रो कंप्लीट कर लिया है, इलेवन रो राइट साइड, एक फंदा स्टिच स्लिप करना है, फिर यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे दो फंदा स्लिप, एक दो। अब ये रिपीट करना है, देखिए स्लिप फंदा को छोड़कर, दो फंदा सीधा, दो फंदा स्लिप, फिर से रिपीट, दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे दो फंदा स्लिप, एक दो, फिर से रिपीट एक बार, दो फंदा सीधा, धागा आगे दो फंदा स्लिप। देखिए तीन बार रिपीट हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर, फिर लास्ट में आपको एक फंदा बच गया है स्टिच, इसको सीधा बुनना है। इलेवन रो कंप्लीट कर लिया है, ट्वेल्व रो रॉन्ग साइड, एक फंदा स्टिच स्लिप करना है, फिर यहाँ से आपको देखिए एक फंदा उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे। अब यहाँ पर आपको दो फंदों को छोड़कर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, दो धागा पीछे रखना है, दो फंदा स्लिप, एक दो, फिर धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो। अब ये रिपीट करना है दो फंदों को छोड़कर, दो फंदा स्लिप, दो फंदा उल्टा। फिर से रिपीट, धागा पीछे दो फंदा स्लिप, धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो। देखिए दो बार रिपीट हुआ है दो फंदों को छोड़कर, फिर लास्ट में चार फंदा बचेगा, धागा पीछे दो फंदा स्लिप, धागा आगे एक दो फंदा उल्टा, एक दो। थर्टीन रो, अब थर्टीन रो ट्वेल्व रो कंप्लीट कर लिया है, एक फंदा स्टिच स्लिप करना है, फिर देखिए यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे करना है, दो फंदा स्लिप, एक दो, फिर धागा पीछे दो फंदा सीधा, एक दो। देखिए स्लिप फंदा को छोड़कर आपको ये रिपीट करना है, दो फंदा स्लिप, दो फंदा सीधा, फिर से रिपीट, धागा आगे दो फंदा स्लिप, दो फंदा सीधा, एक दो। फिर से एक बार, दो फंदा स्लिप, दो फंदा सीधा, एक दो। देखिए तीन बार रिपीट हुआ है, फिर लास्ट में आपको एक स्टिच राइट साइड पे सीधा बुनना है। थर्टीन रो कंप्लीट कर लिया है, फोर्टीन रो रॉन्ग साइड, एक फंदा स्टिच स्लिप करना है, फिर धागा पीछे करके एक फंदा स्लिप। अभी दो फंदों को छोड़कर यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे फर्स्ट में दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे दो फंदा स्लिप। अब ये रिपीट करना है दो फंदों को छोड़कर, दो फंदा उल्टा, दो फंदा स्लिप, ये रिपीट करना है, फिर से रिपीट, दो फंदा उल्टा, दो फंदा स्लिप। देखिए दो बार रिपीट हुआ है, फिर लास्ट में आपको चार फंदा बचेगा, धागा आगे
दो फंदा उल्टा एक दो, धागा पीछे एक फंदा स्लिप एक फंदा उल्टा। 14 रो कंप्लीट कर लिया है, 15 रो राइट साइड। एक फंदा जिससे स्लिप करना है, फिर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। दो फंदा सीधा एक दो, धागा आगे दो फंदा स्लिप एक दो। अब ये रिपीट करना है स्लिप फंदा को छोड़कर, दो फंदा सीधा दो फंदा स्लिप, फिर से रिपीट, दो फंदा सीधा दो फंदा स्लिप एक दो, फिर से एक बार लास्ट रिपीट, दो फंदा सीधा धागा आगे दो फंदा स्लिप। देखिए तीन बार रिपीट हुआ यहाँ पर स्लिप फंदा को छोड़कर, फिर लास्ट में एक फंदा बच गया जिससे सीधा। 15 रो कंप्लीट कर लिया है, 16 रो रॉन्ग साइड। एक फंदा जिससे स्लिप करना है, फिर एक फंदा उल्टा। अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे करना है, दो फंदा स्लिप धागा आगे दो फंदा उल्टा एक दो। अब ये रिपीट करना है स्लिप दो फंदा को छोड़कर, दो फंदा उल्टा सर दो फंदा स्लिप दो फंदा उल्टा, ये रिपीट करना है फिर से, दो फंदा स्लिप दो फंदा उल्टा एक दो। देखिए दो बार रिपीट हुआ है दो फंदों को छोड़कर, फिर लास्ट में आपको चार फंदा बचेगा, धागा पीछे दो फंदा स्लिप, लास्ट के दो फंदे उल्टे एक दो। 16 रो कंप्लीट कर लिया है, 17 रो आपको राइट साइड सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए 17 रो आपको सब सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। सेवेंटीन रो कंप्लीट कर लिया है, 18 रो रॉन्ग साइड, ए लास्ट रो आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। एटीन रो कंप्लीट कर लिया है, देखिए 18 रो में आपको ऐसा डिजाइन आएगा, आपको 1 से 18 रो तक ही रिपीट करना है। फिर से ऐसे आपको रो 1 से स्टार्ट करना है राइट साइड से, देखिए फिर आपको लास्ट में ऐसा फुल डिजाइन आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।